दोस्तों, स्किन एडल्ट बॉडी के कुल वजन का लगभग 15% होती है। यह शरीर के इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स, मसल्स, टिश्यूज और स्केलेटल सिस्टम को प्रोटेक्ट करती है। अतः एक हेल्दी स्किन ह्यूमंस को बैक्टीरिया, बदलते टेम्परेचर और केमिकल एक्सपोजर से बचाती है। सनस्क्रीन लगाने, हाइड्रेटेड रहने और अपनी डाइट में विटामिन से भरपूर फूड्स को शामिल करने से स्किन को हेल्दी रखने में मदद मिलती है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप जानेंगे कि स्किन क्या है, इसकी कितनी लेयर्स होती है और साथ ही स्किन के फंक्शन के बारे में भी जानेंगे। इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम का एक पार्ट स्किन एनवायरमेंट और बॉडी टिश्यू और ऑर्गन के बीच एक बैरियर का काम करता है। स्किन बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन है। न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करना, बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करना और वेस्ट प्रोडक्ट को एलिमिनेट करना, ये सारे स्किन के फंक्शन है। स्किन को 3 लेयर्स में डिवाइड किया जाता है, जो कि एपिडर्मिस, डर्मिस और स्किन के नीचे की हाइपोडर्मिस है। स्किन का सबसे बाहरी लेयर एपिडर्मिस में केराटिनोसाइट सेल्स होता है, जो कि एक प्रोटेक्टिव प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है, जिसे केराटीन कहते हैं। डर्मिस स्किन की मिडिल लेयर है, यह कोलाजन प्रोटीन से बनी होती है। डर्मिस में सेंसरी नर्व रिसेप्टर होती है, जो टच को रिस्पॉन्ड कर सिग्नल को नर्व के थ्रू पेरिफेरल नर्वस सिस्टम तक पहुंचाता है। डर्मिस में प्रेजेंट स्वेट ग्लैंड स्वेट को रिलीज कर बॉडी टेम्परेचर को रिड्यूस करती है। इसके अलावा सीबेसियस ग्लैंड एक ऑयली सब्सटेंस को प्रोड्यूस करती है, जो स्किन को ल्यूब्रिकेट करती है और बैक्टीरिया से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। हाइपोडर्मिस स्किन टिश्यू की सबसे डीप फैटी लेयर है। बॉडी के एनाटॉमी और जियोग्राफिकल लोकेशन के आधार पर इन लेयर्स की थिकनेस अलग अलग होती है। दोस्तों, आइए अब इन लेयर्स के स्ट्रक्चर को डिटेल में जानते हैं। एपिडर्मिस स्किन की सबसे बाहरी लेयर है, जो कि एक वाटरप्रूफ कवरिंग प्रोवाइड करती है। एपिडर्मिस में प्रेजेंट मेलानोसाइट सेल्स द्वारा प्रोड्यूस मेलानिन ही स्किन को कलर प्रोवाइड करती है। जिनके बॉडी में बहुत सारे मेलानिन का सिंथेसिस होता है, उनका बॉडी डार्क होता है, जबकि कम मेलानिन के सिंथेसिस से बॉडी फेयर हो जाता है। मेलानोसाइट्स के अलावा एपिडर्मिस में लैंगरहैंस सेल्स और मार्कल सेल्स होती है। लैंगरहैंस सेल्स इम्यून रिस्पॉन्स में हेल्प करती है, जबकि मार्कल सेल्स टच सेंसेशन के रिसेप्टर के रूप में कार्य करती है। दोस्तों, एपिडर्मिस को 5 सब लेयर में बांटा गया है। इसमें पहला लेयर है स्ट्रैटम बेसल। स्ट्रैटम बेसल्स एपिडर्मिस की सबसे निचली परत है, जिसे बेसल सेल लेयर के रूप में भी जाना जाता है। इस लेयर में कॉलमनर के आकार की बेसल सेल्स होती है, जो डिवाइड होती है और पुरानी सेल्स को स्किन की लेयर की ओर ढकेलती है। दूसरा लेयर है स्ट्रैटम स्पिनोसम। इस लेयर को स्क्वेमस सेल लेयर के रूप में भी जाना जाता है, जो स्ट्रैटम ग्रैनुलोसम और स्ट्रैटम बेसल्स के बीच में पाई जाती है। यह लेयर एपिडर्मिस की सबसे मोटी लेयर है। इसमें नेसेंट केराटिनोसाइट सेल्स होती है, जो केराटिन प्रोटीन को फॉर्म करती है। इस लेयर में लैंगरहैंस सेल्स भी पाई जाती है, जो इन्फेक्शन की कंडीशन को रोकने में मदद करती है। तीसरी लेयर है स्ट्रैटम ग्रैनुलोसम। इस लेयर में स्किन की ऊपरी सतह की ओर जाने पर केराटिनोसाइट सेल की संख्या अधिक होती जाती है। यह लेयर वाटरप्रूफ कवरिंग की तरह कार्य करती है। चौथा लेयर है स्ट्रैटम ल्यूसिडम। स्ट्रैटम ल्यूसिडम एपिडर्मिस में डेड स्किन सेल्स की एक थिन और ट्रांसपेरेंट या क्लियर लेयर होती है। यह लेयर केवल हाथों की हथेलियों और तलवों में पाई जाती है। पांचवें लेयर का नाम है स्ट्रैटम कॉर्नियम। स्ट्रैटम कॉर्नियम एपिडर्मिस लेयर की सबसे बाहरी या ऊपरी परत है, जो डेड और फ्लैट केराटिनोसाइट सेल से मिलकर बनी होती है। सेबोरिक डर्मेटाइटिस यानी कि डैंड्रफ, एटोपिक डर्मेटाइटिस यानी कि एक्जिमा, बॉयल्स यानी कि बालतोर और एक्ने यानी कि मुहासे स्किन की एपिडर्मिस लेयर में होने वाली कुछ डिजीज हैं। डर्मिस एपिडर्मिस के नीचे की लेयर है, जो टफ कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है। इसमें हेयर फॉलिकल्स, लिम्फ वेसल्स और स्वेट ग्लैंड मौजूद होती है। डर्मिस लेयर को 2 भागों में बांटा गया है। इसमें पहले पार्ट को पैपिलरी रीजन कहा जाता है, जो कि कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है। टच रिसेप्टर इसी रीजन में प्रेजेंट होती है। डर्मिस के दूसरे पार्ट को रेटिकुलर रीजन कहा जाता है, जिसमें नर्व्स, सीबेसियस ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड और हेयर फॉलिकल्स होती है। रिंकल्स, डर्मेटोफिब्रोमा, सीबेसियस सिस्ट जैसे डिजीज स्किन के डर्मिस लेयर में ही होती है। सीबेसियस ग्लैंड और ऑयल ग्लैंड एक टाइप का एक्सोक्राइन ग्लैंड है, जो यूजुअली हेयर फॉलिकल से जुड़ा होता है। यह ग्लैंड हाथों की पाम और पाओ की सोल को छोड़कर पूरे बॉडी में प्रेजेंट होता है। स्पेशली फेस और स्कैल्प पर यह सबसे ज्यादा होता है। यह ग्लैंड फैट और सेलुलर डेब्रिस का एक मिक्सचर को सिक्रीट करता है, जिसे सेबम कहा जाता है। यह स्किन को सॉफ्ट बनाता है। स्वेट ग्लैंड को सुडोरीफेरस ग्लैंड भी कहा जाता है। यह स्किन की एक ट्यूबलर स्ट्रक्चर है, जो स्वेट प्रोड्यूस करती है। ह्यूमन बॉडी में लगभग 20 से 40 लाख स्वेट ग्लैंड होती है। ये ग्लैंड सोल, पाम, स्कल और चिक में सबसे ज्यादा होती है, इसीलिए इन जगहों पर स्वेटिंग सबसे ज्यादा होती है। स्वेट में 90% वाटर और थोड़ी अमाउंट में सॉल्ट, प्रोटीन और यूरिया होता है।
स्वेट ग्लैंड एयर कंडीशनिंग का काम करती है। जब गर्मी बहुत बढ़ जाती है तो शरीर को ठंडा रखने के लिए इन ग्लैंड से पसीने की बूंदें निकलना शुरू हो जाती है। स्वेट के हवा में सूखने से ठंडक पैदा होती है और शरीर का टेम्परेचर सामान्य हो जाता है। हाइपोडर्मिस सबसे निचली स्किन लेयर्स है, जिसे सबक्यूटेनियस फैट या हाइपोडर्मिस लेयर के नाम से भी जाना जाता है। यह फैट और कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है, जिसमें बहुत सारी ब्लड वेसल्स और नर्व्स होती हैं। यह लेयर इंसुलेटर के रूप में बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करती है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी समझ में आ गई होगी। दोस्तों, ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो के अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें।